राम सेतु, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार ये एक ऐसा पुल है जिसे भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम के बानर सेना द्वारा भारत के दक्षिणी भूभाग रामेश्वरम पर बनाया गया था, जिसका दूसरा किनारा वास्तव में श्रीलंका के मन्नार तक जाकर जुड़ता है। इसे मान्यता है कि इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वह पत्थर पानी की सतह पर ही तैरते हैं। ऐसा क्या कारण था कि यह पत्थर पानी में नहीं डूबे? कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन साइंस इसके पीछे क्या तर्क देता है, यही हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या सच में राम सेतु नामक कोई पुल था? क्या सच में भगवान राम ने ही बनवाए थे? पर यदि बनवाए थे तो अचानक ये पुल कहाँ गया? धार्मिक मान्यता अनुसार जब असुर सम्राट रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया था, तब श्री राम ने बनरों की सहायता से समुद्र के बीचों बीच एक पुल का निर्माण किया था। यही आगे चलकर राम सेतु कहलाता है। कहते हैं कि यह विशाल पुल बानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में ही तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। लेकिन आश्चर्य बात है कि मीलों का फासला रखने वाला दो देशों के बीच मौजूद इस समुंदर को लांघने के लिए सिर्फ 5 दिनों में कैसे बानर सेना ने एक पुल बना डाला? रामायण ग्रंथ के अनुसार जब लंकापति रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था, तब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी की खोज आरंभ की। जटायु से उन्हें यह पता चला कि उनकी पत्नी को एक ऐसा राक्षस राजा ले गया है जो मीलों दूर एक बड़े समुंदर के दूसरे छोर लंका में रहते हैं। तब श्री राम ने फैसला किया कि वो स्वयं अपनी सेना के साथ लंका जाकर ये सीता को रावण की कैद से छुड़ाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल था। रास्ते में था एक विशाल समुंदर जिसे पार करने का कोई जरिया नहीं था। रामायण के अनुसार पूजा के बाद भी जब समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, तब क्रोधित होकर श्री राम ने अपने धनुष बाण से समुद्र को सुखा देने का निर्णय लिए। तभी भयभीत होकर समुद्र देवता प्रकट हुए और बानर सेना के मदद से अपने ऊपर एक पुल बनवाने का अनुमति दिए। अंत में विश्वकर्मा की पुत्र नाल तथा नील की देखरेख में पूर्ण वैज्ञानिक योजनाओं के आधार पर एक विशाल पुल तैयार किया गया। विज्ञान का मानना है कि राम सेतु को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, वो कुछ खास प्रकार के पत्थर है जिन्हें प्यूमा स्टोन कहा जाता है। दरअसल ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। जब लावा की गर्मी वातावरण की कम गर्म हवा या फिर पानी से मिलती है, तो वो उस लावा को पत्थर में बदल देती है। ये प्रक्रिया एक ऐसी पत्थर का जन्म देती है जिसमें कई सारे एयर होल्स होते हैं। पत्थर के अंदर एयर बबल भरे रहने के कारण आसानी से ये पानी में तैर सकते हैं या जल्दी डूबते नहीं हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे इन एयर बबल्स में हवा के जगह भर जाते हैं पानी, तब ये डूबने लगते हैं। यही कारण है कि राम सेतु आज समुंदर में डूबते हुए उसके भूभाग तक पहुँच गए। नासा की सैटेलाइट इमेज भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्राचीन भारत सर्वश्रेष्ठ था, इस बात से सब सहमत है। लेकिन हैरान कर देने वाला और एक बात यहाँ पे सामने आता है। उस समय सेतु बंधम जब तैयार हुआ था, उसके आसपास दूर दूर तक कोई वोल्केनिक रॉक या वोल्केनिक माउंटेन नहीं था, आज भी नहीं है। तो उन लोगों को ये सेतु बंधम या राम सेतु बनवाने के लिए इतने सारे वोल्केनिक प्यूमा रॉक कहाँ से मिला था? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।